नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो डेब्यू वेब सीरीज है, एज एन एक्टर नहीं, एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पे वो डेब्यू कर रहे हैं। नाम है स्टारडम, और ये एक ऐसे जो स्ट्रगल करने वाले जो नौजवानों की कहानी, जो फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए, बड़ा एक्टर बनने के लिए आते हैं, किस प्रकार का संघर्ष उनको करना पड़ता है, क्या क्या तकलीफें उनको सहनी पड़ती है, पर्दे के पीछे की कहानी है। मतलब तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका एक सब्जेक्ट है, और आर्यन खान इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छे एक्टर तो है या नहीं पता चलेगा जब वो डेब्यू करेंगे। लेकिन एक्टिंग के पहले उन्होंने एक तरीके से डायरेक्शन में डेब्यू किया है, तो शाहरुख खान बाद में उनको एज एन एक्टर बड़े पर्दे पर पेश करेंगे। जिस प्रकार से अपनी बेटी सुहाना खान को पहले आर्चीज में पेश किया उन्होंने वेब सीरीज में, और अब अपने साथ द किंग फिल्म में मेन लीड हीरोइन के तौर पर मान लीजिए आप लेकर के आ रहे हैं, बाप पिता पुत्री की कहानी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये फिल्म होने वाली है। तो वैसे आर्यन खान के लिए भी उनके दिमाग में एक अच्छी खासी प्लानिंग है कि पहले डायरेक्टर के तौर पे नाम कमा ले, सब समझ हो जाए, पूरे कैमरा वर्क वगैरह का सबकी समझ हो जाए, उसके बाद में बड़े पर्दे पर लेकर के आएंगे उनको बड़ी फिल्म के साथ। तो इस पे जो स्टार्टअप है इसमें बॉबी देओल है, और दोस्तों इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इसके जो मेन बात है वही है कि इसमें बहुत सारे कलाकारों का एक कैमियो होने वाला है, बड़े बड़े कलाकारों का, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के जिसमें डायरेक्टर्स भी है, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर और बहुत सारे कलाकार, उन सब का इसमें कैमियो होने वाला है, ये एक बड़ी बात होगी। बॉबी देओल का काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रोल इस फिल्म में होने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में मुख्य रोल में लक्ष्य, इसमें लक्ष्य का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, तो ये भी एक अच्छी बात है कि काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ही ये शो बनाया जा रहा है। तो इसका लास्ट शूटिंग शेड्यूल अभी मई में कंप्लीट हो जाएगा, गोवा में चल रहा है इसका लास्ट शूटिंग शेड्यूल, तो अभी मई में एंड हो जाएगा और इसको इसी साल के अंत तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आता है ये भी पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा दांव शाहरुख खान ने खेल दिया है। आर्यन खान के डायरेक्शन का पता चलेगा कैसा डायरेक्शन देता है, और कितनी बड़ी ये हिट होती है, बॉबी देओल किस प्रकार के एक्ट करते हैं इसमें। मजेदार ये जरूर सीरीज रहने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोल।